बद्रीनाथ में अगले 3 दिन में बारिश होने की संभावना। प्रदेश में मौसम को लेकर रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। महाराज अग्रसेन की जयंती समारोह पर अग्रवाल समाज भव्य रूप से मनाएगा जयंती। कई तरह के आयोजित होंगे कार्यक्रम। सरगुजा अग्रवाल समाज के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकार द्वारा लगाए गए खनन पट्टे में बढ़ोतरी को लेकर बोध पार्क में खनन कारोबारियों का धरना। खनन पट्टे में दाम कम करने की उठाई मांग। महाराष्ट्र के बुलडावा अर्बन के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक और पूर्व विधायक चैन सुखांत शेट्टी के अपहरण करने का प्रयास असफल। कटनी में बारिश से शासकीय जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की खुली पोल। प्रबंधन की लापरवाही आज सामने। जल जमाव से अस्पताल बना तालाब। अव्यवस्थाओं में ही इलाज कराने को मंजूर मरीज। बीती रात को ही भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग हुआ बंद। पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के चलते मार्ग बाधित। कपीरी क्षेत्र के कई गांवों का मुख्य बाजार से टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के अकोला जिले में अकोट तहसील अंतर्गत मोहाली नदी के तेज बहाव में दादा के साथ बहा पोता। बाद में कुछ ही दूरी पर बुजुर्ग का शव बरामद। बच्चा भी लापता। आगरा के खेरागढ़ में आए दिन हो रही चोरी की वारदात। दूसरे दिन चोरी ने किराने की दुकान को बनाया निशाना। खेरागढ़ का गोल मार्ग पर स्थित खंड विकास कार्यालय के पास की है घटना। मंगलोर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश में तापमान में आई गिरावट। सुबह से लगातार हो रही बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस। बरसात के कारण 2 मंजिला कच्चा मकान आधा गिरा। हिस्सा एक घायल महिला उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा के फतेहाबाद कस्बा का मामला। बदमाशों के बढ़ते आतंक से आक्रोशित रहवासियों ने किया थाने का घेराव। शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने पर चौकी प्रभारी को हटाने की मांग। रायपुर के लक्ष्मण नगर खालीबोड़ा गुड़ियारी थाना इलाके का है मामला। अल्मोड़ा में लंबी समस्याओं के निराकरण को लेकर ठेकेदारों ने अधीक्षण अभियंता से समस्याओं के निराकरण की लगाई गुहार। जल समस्याओं के निस्तारण की मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का किया शुभारंभ। जन जागरूकता के लिए स्वच्छता रथ को दिखाई हरी झंडी। पौड़ी में बीच रोड पर हाथी के आने जाने से रास्ते में रुका। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला चट्टान पर चढ़कर बचाई जान। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने हाथी को रास्ते से हटाया। लखनऊ के बालदा इलाके में बिना फायर उपकरण के चल रहा टायर का होलसेल का काम। रहवासियों की जान का खतरा। थाना चौक के टूरियागंज बालदा क्षेत्र का है गोदाम। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने निकाली किसान बचाव रैली। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे कई किसानों ने कमिश्नर के सामने रखी अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की कही बात। छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदाय एसटी में शामिल। मोदी कैबिनेट में लगी मुहर पर बोले पूर्व मंत्री केदार कश्यप, इसमें 20 लाख से अधिक लोग होंगे लाभान्वित। इनका मात्रा का त्रुटि के कारण से वर्षों से हो रहे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कई जगहों पर हुई तेज हवा, हल्की बारिश। किसानों की धान व फसलों को हुआ नुकसान। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन और बारिश की संभावना। बारिश के चलते अचानक गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबे 2 बच्चे और 2 महिलाएं गंभीर घायल। मौके पर पहुंची जेतवारा थाना पुलिस। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस सुरक्षा नियंत्रण के लिए लगातार कर रही है काम। अपराध नियंत्रण, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस रख रही है नजर। कवि चंद्र कुमार बतवाल की 75वीं पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। कवि चंद्र बतवाल शोध संस्थान मसूरी में आयोजित किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सहारनपुर में तेज रफ्तार में ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी कार। एक युवक की मौके पर मौत। 2 की हालत गंभीर। खाना गंगो क्षेत्र के गांव दौलतपुर का है मामला। परमिशन न देने पर भी बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवा। बुद्ध पार्क से लेकर कॉलेज तक युवाओं ने निकाली आक्रोश रैली। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रायपुर के गुड़ियारी के लक्ष्मण नगर में बदमाशों का आतंक। इलाके में दहशत फैलाने वाले चारा गुड्डू गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है पुलिस। इलाके में निकाला बदमाशों का जुलूस। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप पहुंचे बीजेपी कार्यालय। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। विजय शर्मा ओपी चौधरी भी रहे मौजूद। हमीरपुर में सब्जी मंडी सहित किराने की दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। चारों तरफ मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कटनी में मजदूरों से सवार तेज रफ्तार पिकअप वैन पलटी। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल। सभी अस्पताल रेफर। एनकेजे थाना ग्राम सराई मोड़ की है घटना। अवध कॉलेजिएट स्कूल में बेरहम शिक्षक ने की मासूम छात्रा की पिटाई। होमवर्क न करने पर चेहरे पर जड़े कई थप्पड़। परिजनों ने की शिक्षक पर कार्रवाई की मांग।